गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हो आप सबको कोई आपकी स्टडीज़ कैसे चल रही हैं इस लॉकडाउन के पीरियड्स में uh, आप लोग के सिलेबस कंटिन्यूसली कम्प्लीट हो रहे हैं आप अपने सेल्फ़ स्टडी को कंटिन्यू रखिए ताकि अगर लॉकडाउन ओवर होने के बाद जैसे एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाए आपका परफॉर्मेंस बेटर रहे ठीक है तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की बात करेंगे ठीक है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी यानी साइकोलॉजी की शुरुआत कैसी हुई या फिर साइकोलॉजी में किसने किसने कौन कौन साइकोलॉजिस्ट ने अपना कैसा कंट्रीब्यूशन दिया है उन्होंने साइकोलॉजी के हर एक फील्ड पर हर एक क्षेत्र पर हर एक कंसेप्ट पर अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया है जिसके आधार पर ही आज हम लोग उन सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाते हैं और उसको हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट कर पाते हैं तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंट्रीब्यूशंस ऑफ विलियम उन्ट विलियम उन्ट ने साइकोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूट किया है ये बेसिकली थर्ड सेमेस्टर साइकोलॉजी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है लेट uh, स्टार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि विलियम उन्ट ने क्या कंट्रीब्यूट किया या विलियम उन्ट कौन थे उन्होंने कैसे साइकोलॉजी में साइकोलॉजी को कहां से कहां तक पहुंचाया ठीक है तो लेट्स स्टार्ट करते हैं विलियम उन्ट को लेके विलियम ठ विलियम उन्ट का जो बर्थ हुआ था एटीन थर्टी टू में एंड डाइड इज़ नाइनटीन वर्ज नाइनटीन ट्वेंटी ठीक है विलियम उंट नोन एज द फादर ऑफ़ द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है विलियम उंट को एक्सपेरीमेंटल साइकोलॉजी का फादर माना जाता है ठीक है ही वॉज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन लिप्जिक जर्मनी इन एटीन सेवेंटी नाइन तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जो एस्टेब्लिशमेंट किया है लिपचिक नामक लेबोरेटरी में जर्मनी में ये उन्होंने कब किया था 1879 में यानी इसके पहले तक साइकोलॉजी जो है फिलोसफी का ही एक ब्रांच माना जाता था लेकिन विलियम उनठ ही थे जो उन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी को फिलोसफी से बाहर निकाल कर साइकोलॉजी का एक इंडिपेंडेंट दर्जा दिया इसलिए इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है ठीक है उन टू इंट्रोड्यूस हिज बुक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी इन दिस बुक ही वॉज डिस्कस अबाउट द ऑरिजिनल एलिमेंट्स ऑफ सिस्टेमेटिक साइकोलॉजी इन टू फाइव पार्ट्स उन ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी इस आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में ही उन्होंने सिस्टमेटिक साइकोलॉजी की बात की थी यानी क्रमबद्ध मनोविज्ञान जिसके आधार पर उन्होंने कुछ एलिमेंट्स यानी कुछ तथ्यों की व्याख्या की जिसके आधार पर हम साइकोलॉजी को अच्छे से समझ सकते हैं तो देखो जो फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हैं दैट इज़ अ स्ट्रक्चलिज्म यानी स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद का जो स्थापना था ये बेसिकली ऊंट के द्वारा ही किया गया था लेकिन ऊँट ने अपना इंडिपेंडेंट बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचाया जिस ऊंचाई तक इसको एडवर्ड टीचनर ने पहुंचाया था जो कि विलियम उंट के ही कौन थे शिष्य थे ठीक है तो बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म की स्थापना ऊंट के द्वारा ही की गई थी लेकिन इस पर जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन था जो एक्सेस काम था वो एडवर्ड टीचनर ने किया था तो हम लोग फिलहाल इसलिए स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में ना जानकर बस हम लोग विलियम ऊंट का कंट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे कि विलियम उन्ट ने क्या क्या, क्या कंट्रीब्यूट किया था तो उन्होंने अपने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में सिस्टमेटिक साइकोलॉजी के कुछ तथ्यों की बात की थी वो क्या था डेफिनेशन एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन मैथड ऑफ साइकोलॉजी एप्रिसिप्शन माइंड बॉडी प्रॉब्लम ये फाइव कंसेप्ट की बात उन्होंने की थी इसके आधार पर वो क्या बता रहे हैं ये देखते हैं अकॉर्डिंग टू उन् साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस विच इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज कॉन्सियस एक्सपीरियंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्दर ही डिवाइडेड कॉन्सियस एक्सपीरियंस इंटू टू साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स लाइक सेंसेशन एंड फीलिंग्स, ठीक है? देखो, उन्होंने साइकोलॉजी को कहा था और उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है स्टडी ऑफ कॉन्सियसनेस लेकिन द स्टडी ऑफ कॉन्सियसनेस कॉन्सियसनेस तो हमारा दो टाइप का होता है ठीक है क्या क्या होता है एक होता है इमीडिएट एक्सपीरियंस और दूसरा होता है मीडिएट एक्सपीरियंस यानी बेसिकली ऊँट ने कहा था द सब्जेक्ट मैटर इज द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस तो और स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस किसका दैट इज कॉन्सियसनेस का तो कॉन्सियसनेस कितने तरह का उन्होंने बात की थी दैट इज इमीडिएट और एक होता है मीडिएट इमीडिएट एक्सपीरियंस को ही ऊँट लेकर मानते हैं कि जो भी एक्सपीरियंस इमीडिएट होता है जैसे हम लोग कहते हैं कि मेरा पेट में दर्द हो रहा है ठीक है अगर हम लोग कहते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है ठीक है तो दैट इज इमीडिएट एक्सपीरियंस ठीक है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और अगर मान के चलो कि इसी इमीडिएट एक्सपीरियंस को उनने कहा था कि ये उनका सब्जेक्ट मैटर है ठीक है लेकिन जब मान के चलो उस पेट में दर्द का हम एग्जैक्ट जगह ढूंढ पाते हैं कि मेरे पेट में लोअर एब्डोमेन में दर्द हो रहा है या अपर एब्डोमेन में दर्द हो रहा है कि कहाँ पर दर्द हो रहा है तो दैट इज़ इमीडिएट एक्सपीरियंस जिसमें हम ये बताते हैं कि किस पोर्शन पे हो रहा है लेकिन ऊँट का ये था मेन पॉइंट कि जो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है दैट इज़ इमीडिएट एक्सपीरियंस यानी जो एक्सपीरियंस सडनली हुआ हम उसके कोर पॉइंट तक पहुँचने की कोशिश नहीं करते हैं बस हम लोग जो इमीडिएट एक्सपीरियंस जो तुरंत अनुभव होता है उसी को ऊंट ने क्या कहा था द स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी ठीक है इसको उन्होंने लास्ट में दो भाग में बांटा क्या तो सेंसेशन एंड फीलिंग्स ठीक है एक संवेदना और अनुभव के आधार पर एलिमेंट्स ऑफ कॉन्सियस एक्सपीरियंस इज़ कनेक्टेड बाई प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन इन्होंने जो प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन की बात की इन्होंने कहा जो भी कॉन्सियस एक्सपीरियंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कैसे होते हैं कनेक्शन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित कैसे होते हैं तो कनेक्शन के आधार पर उन्होंने ये कहा कि जब भी कॉन्सियस एलिमेंट्स यानी चेतन के तत्व जब आपस में संयोजित होते हैं ठीक है थीके? तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपस में एक साथ कनेक्ट होने लगते हैं ठीक है ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में वो सारी चीजें आने लगती है कॉन्सियसनेस रिलेटेड इसी को उन्होंने कहा था प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन नेक्स्ट उन्ट बिलीव दैट कॉन्सियस एक्सपीरियंस इज बेटर स्टडीड बाई इंट्रोस्पेक्टिव मैथड्स मेथड्स उन ये हमेशा से मानते आए कि कॉन्सियस एक्सपीरियंस यानी जो इमिडिएट एक्सपीरियंस है इसको स्टडी करने का जो मेन uh, या इंपॉर्टेंट मेथड्स है दैट इज इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट क्योंकि इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट के आधार पर ही पर्सन ये इजीली बोल देता है कि उसके मतलब उसके कॉन्सियस में जो भी चीज़ें चल रही है उसको जब हम लोग एनालाइज करते हैं तो ये पता चल जाता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स मिलकर उसके कॉन्सियस एक्सपीरियंस को बनाया है यानी उसके इमिडिएट एक्सपीरियंस को बनाया है और ये किस मेथड्स के सहारे हो सकता है दैट इज़ इंट्रोस्पेक्टिव मेथड तो ऊँट ने विलियम ऊँट ने ही इंट्रोस्पेक्टिव मेथड्स की बात सबसे पहले की थी जिसके आधार पर किसी पर्सन के कौन कॉन्सियस एक्सपीरियंस में इंक्लूडेड एलिमेंट्स को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं नेक्स्ट ऊंट बिलीव दैट माइंड एंड बॉडी बोथ आर पैरल विथ ईच अदर ऊंट ये मानते थे कि दिमाग और शरीर दोनों एक दूसरे क्या होते एक दूसरे का पैरल वे में होता है बट दे डोंट इंटरैक्ट लेकिन वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं अंतक्रिया नहीं करते हैं सच फिनोमिन इज कॉल्ड एज साइकोफिजियोलॉजिकल पैरालिज्म उन्होंने इसको कहा था साइकोफिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल पैरलिज्म मतलब अगर मन और शरीर की बात है तो उन्होंने यही कहा कि मन और शरीर एक दूसरे के समानांतर होता है लेकिन वो कभी एक दूसरे को इंटरैक्ट नहीं करता है इसी को उन्होंने साइकोफिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कहा था तो अगर हम लोग डीपली जाएँ या फिर उनके आउटलाइन जो बुक है उन्होंने लिखा था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पर इस पर इन्होंने जो एलिमेंट्स की बात की दैट आर फाइव एलिमेंट्स डेफिनेशन एंड सब्जेक्ट मैटर प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन मैथड तो डेफिनेशन एंड सब्जेक्ट मैटर उनके लिए क्या था दैट इज़ इमीडिएट एक्सपीरियंस और साथ ही उन्होंने सेंसेशन और फीलिंग्स की भी बात की प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शंस में इन्होंने क्या बात की कि जब हम लोग किसी कॉन्सियस uh, एक्सपीरियंस को कलेक्ट करते हैं तो उसके साथ और भी जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने आप एक के एक, एक, साथ वो क्या होते हैं कनेक्ट होते चले जाते हैं मैथड्स ऑफ साइकोलॉजी में उन्होंने क्या बात किया इंट्रोस्पेक्टिव मैथड को उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया इंट्रोस्पेक्टिव मैथड method के मेथड्स के आधार पर ही उन्होंने कहा कि किसी भी पर्सन के कॉन्सियस एक्सपीरियंस में जो एलिमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं उसको हम लोग एनालाइज़ कर सकते हैं फिर उन्होंने अप्रिसिएशन की बात की फिर उन्होंने माइंड एंड बॉडी प्रॉब्लम की बात की ये था उनका बुक ये इस उनके आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो बुक है उन्होंने उन्होंने सिस्टमेटिक साइकोलॉजी को इस तरीके से क्लियर किया लेकिन अब हम लोग जो आते हैं मेन ऊंट का कंट्रीब्यूशन क्या था ऊंट ने साइकोलॉजी में मेन कंट्रीब्यूट क्या किया था इसकी हम लोग बात करते हैं ऊंट एंड हिज डिसिपल डिड लॉट्स ऑफ वर्क इन लिपचिक यूनिवर्सिटी ऊंट और उनके शिष्यों ने मिलकर लिपचिक यूनिवर्सिटी में बहुत सारा काम किया और बहुत सारे योगदान दिए द कंट्रीब्यूशन आर डिवाइडेड इंटू सिक्स पार्ट्स विच आर एज फॉलोज उन्होंने जो मेन कंट्रीब्यूशन उनका था वो छः भागों में बटा हुआ था क्या था सेंसेशन एंड परसेप्शन एक्सपेरिमेंट रिएक्शन टाइम एक्सपेरिमेंट्स एसोसिएशन एक्सपेरिमेंट्स अटेंशन एक्सपेरिमेंट्स फीलिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड लास्ट साइकोफिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स अब हम लोग रीड करते हैं क्या है सेंसेशन और परसेप्शन में ऊँट ने क्या काम किया ये देखते हैं ऊँट कंट्रीब्यूट अ लॉट इन द फील्ड ऑफ सेंसेशन एंड परसेप्शन बेसिकली विजुअल परसेप्शन कलर डिस्क्रिमिनेशन कलर ब्लाइंडनेस आफ्टर इमेज टू पॉइंट थ्री शोल्ड आर द मेन एरियाज विच ही फोकस्ड ऊँट ने सेंसेशन और परसेप्शन के क्षेत्र में जो हम लोग चैप्टर अब पढ़ते हैं कि वट इज सेंसेशन वट इज परसेप्शन इस क्षेत्र में ऊंट ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया तो उन्होंने विजुअल परसेप्शन की बात की उन्होंने कलर डिस्क्रिमिनेशन जैसे आप लोग कलर डिस्क्रिमिनेशन पर कलर uh, प्रेफरेंस पर कभी कभी प्रैक्टिकल भी किए हो कि कैसे हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं या कैसे हम प्रेफ़र करते हैं किसी पर्टिकुलर कलर को कलर ब्लाइंडनेस की उन्होंने बात की कि हम किसी कलर के प्रति कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं वो कलर हमें दिखता ही नहीं है या वो कलर भी मुझे दूसरे कलर की जैसा ही लगता है फिर उन्होंने आफ्टर इमेज की बात की यानी किसी मूमेंट uh, वाले पिक्चर्स को देखने के बाद सडनली जब हम किसी स्टेबल पिक्चर को देखते हैं तो उसमें भी हम लोग मूवमेंट परसीव करते हैं देन टू पॉइंट थ्रेशोल्ड की बात की जहाँ पे किसी uh, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके हमें दो बिंदु का एहसास होता है इन सब चीज़ों के बारे में जो कंट्रीब्यूशन था ये किसका था विलियम उंट का था सेकेंड रिएक्शन टाइम एक्सपेरिमेंट्स द कंसेप्ट ऑफ रिएक्शन टाइम वॉज फर्स्ट प्रपोज बाई हर्न हॉज बट उन शो इम्पॉर्टेंस इन इट बिकॉज Through experiments in reaction time, three postulated stages established between the stimulus and responses. देखो जो रिएक्शन टाइम का एक्सपेरिमेंट था इसके बारे में जो कंसेप्ट था रिएक्शन टाइम का ये सबसे पहले किसने लाया था तो हेलमहॉज ने लाया था लेकिन ऊँट का इस एरिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था वो देखना चाहते थे कि आखिर रिएक्शन टाइम होता क्या है तो रिएक्शन टाइम बेसिकली क्या होता है किसी स्टिमुलस को प्रेजेंट करना और उसके प्रति जो सब्जेक्ट रिस्पॉन्स करता है इसके बीच का जो टाइम गैप होता है दैट इज़ द रिएक्शन टाइम यानी स्टिमुलस को प्रेजेंट करना और सब्जेक्ट के द्वारा रिस्पॉन्स करने के में जितना टाइम लगता है दैट इज़ कॉल्ड रिएक्शन टाइम इसी रिएक्शन टाइम के प्रति ऊँट का अपना एक कंट्रीब्यूशन था उन्होंने रिएक्शन टाइम को बांटा था सिंपल रिएक्शन टाइम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टाइम एंड चॉइस रिएक्शन टाइम के आधार पर फर्दर इट डिस्क्राइब्ड अबाउट द सिंपल रिएक्शन टाइम कम्पलेक्स रिएक्शन टाइम एंड चॉइस रिएक्शन टाइम इसके आधार पर उन्होंने क्या किया कि सिंपल रिएक्शन टाइम मतलब एक ऑब्जेक्ट मेरे सामने आया और हम रिएक्ट किए दैट इज अ सिंपल रिएक्शन टाइम ठीक है कम्प्लेक्स रिएक्शन टाइम मतलब मेरे सामने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन हम किसी पर्टिकुलर एक के प्रति ही रिस्पॉन्स करते हैं दैट इज कम्पलेक्स रिएक्शन टाइम चॉइस रिएक्शन टाइम क्या है मेरे सामने थ्री फोर कलर्स है लेकिन किसी एक कलर के प्रति मुझे बजर दबाना है जो कलर आई प्रेफर्ड द मोस्ट तो दैट इज़ अ चॉइस रिएक्शन टाइम तो ये बेसिकली उनका एक्सपेरिमेंट था किसके ऊपर ये बेसिकली उनका एक्सपेरिमेंट और इनका कंट्रीब्यूशन था रिएक्शन टाइम के ऊपर तो so पहला हो गया सेंसेशन एंड परसेप्शन एक्सपेरिमेंट एंड सेकेंड वन इज रिएक्शन टाइम एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट आते हैं एसोसिएशन एक्सपेरिमेंट एसोसिएशन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या कहा ऊँट डिड अ लॉट्स ऑफ वर्क इन द फील्ड ऑफ वर्ड एसोसिएशन ऊँट की वर्ड एसोसिएशन जो अब आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे उसमें आप लोग देखेंगे वर्ड एसोसिएशन क्या इन सच एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट इंस्ट्रक्ट टू रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू माइंड देन रिएक्शन टाइम नॉट एड डाउन थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट यू फाइंड आउट दैट एसोसिएशन आर टू टाइप्स इनर एसोसिएशन एंड आउटर एसोसिएशन देखो ऊंट ने एसोसिएशन यानी साहचर पर प्रयोग किया जिसके आधार पर क्या होता है जिसमें प्रयोज्य के सामने कोई एक वर्ड दिया जाता है और उस वर्ड को सुनते ही उसके मन में जो सबसे पहला रिस्पॉन्स आता है उसको देना होता है इस दौरान में जितना टाइम लगता है उसको नोट कर लिया जाता है तो ये जो एसोसिएशन होता है इसको उन्होंने दो टाइप से कहा पहला है इंटरनल एसोसिएशन या इनर एसोसिएशन या जिसको हम लोग इंट्रेंसिक एसोसिएशन कहते हैं और सेकेंड वन इज़ आउटर एसोसिएशन इंटरनल एसोसिएशन या इन एसोसिएशन कैसा होता है जैसे टेबल चेयर टीचर स्टूडेंट ओके मेल फीमेल दैट इज़ इंटरनल एसोसिएशन लेकिन आउटर एसोसिएशन कैसे होता है जिसमें हम लोग किसी चीज मतलब आउटर बाहर के साथ जैसे जैसे राजा तो महल ठीक है जैसे रोगी तो हॉस्पिटल दैट इज़ द आउटर एसोसिएशन ठीक है तो उन्होंने इसको इस तरीके से दो पार्ट में बांधकर क्लियर किया नेक्स्ट अटेंशन एक्सपेरिमेंट ऊंट ने अटेंशन पर भी बहुत ही ज़्यादा गहरा अपना कंट्रीब्यूशन दिया या योगदान दिया ऊंट का ये तात् ध्यान से ऊंट का तात्पर्य यह था कि चेतन के संबंधों के क्षेत्र में स्पष्ट परसेप्शन मतलब कैसे हम उसको परसीव करें स्पष्ट रूप से तो उन्होंने कहा कि जब भी हम लोग किसी चीज़ को देखें तो उस पर ध्यान जो ध्यान होता है उसको उन्होंने रेंज ऑफ अटेंशन यानी हम लोग कह सकते हैं कि द स्पैन ऑफ अटेंशन एंड फ्लैक्चुएशन ऑफ अटेंशन के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एट ए टाइम हम कितने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर पाते हैं और हम फ्लैक्चुएशन कैसे होता है मेरे ध्यान में ठीक है हम कैसे एक चीज़ से दूसरे चीज़ में हम अपने ध्यान को स्विच कर लेते हैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट ऊंट के द्वारा ही किया गया था जो आप लोग स्पैन ऑफ अटेंशन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो आप लोग डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स का जो शुरुआत पे बात या योगदान इस पर कंट्रीब्यूशन दिया गया था ये किसके द्वारा दैट इज़ ऊँट नेक्स्ट हम लोग आते हैं फीलिंग एक्सपेरिमेंट्स फीलिंग एक्सपेरिमेंट क्या है ज कंडक्टेड रिसर्च ऑन फीलिंग एंड फाइंड आउट द थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग इन हिज लेबोरेटरी मैथड जो बेसिकली ये आपके इमोशन से रिलेटेड है ठीक है इसमें क्या है उन ने ये रिसर्च किया या थ्री डायमेंशनल थ्योरी डेवलप की कि हम फीलिंग्स कैसे होता है ठीक है कैसे डेवलप होता है जैसे मान के चलो कि हम कलर प्रेफरेंस की बात करते हैं जब हमारे सामने दो या तीन कलर रहते हैं उसमें हमें एक को चूज़ करना होता तो पेर, पेर है तो दैट इज पेयर पेयर मेथड क्यों कह रहे हैं क्योंकि दो एक साथ हमारे सामने प्रेजेंट है उसमें से किसी एक को चूज़ करना है तो फीलिंग एक्सपेरिमेंट यानी इमोशन एक्सपेरिमेंट्स पे भी उनने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था नेक्स्ट क्या है साइकोफिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इन साइकोफिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स फोकस्ड ऑन क्वान्टिटी प्रॉब्लम ही वॉज अग्री विद द कंसेप्ट ऑफ जस्ट नोटिसबल डिफरेंस प्रपोज बाई फिकनर बट ही वॉज डिनाइड दैट सेंसेशन कैन बी मेजर्ड ठीक है वो जो है क्वान्टिटी प्रॉब्लम्स पे फोकस किए थे और वो फिकनर के इस कंसेप्ट से भी सहमत थे जो जस्ट नोटिसिबल डिफरेंस को बताता है यानी जिस पॉइंट पे जाके हमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस पता चलता है या जिस पॉइंट पे जाके हमें किसी थ्रेशोल्ड का पता चलता है कि हाँ अभी यह मुझे भारी लग रहा है हाँ अब ये मुझे हल्का लग रहा है दैट इज अ जस्ट नोटिसबल डिफरेंस ठीक है लेकिन वो फेंकनर की इस चीज़ को मान नहीं पाए कि हम सेंशेशन को मेज़र कर सकते हैं उन्होंने यही माना था कि हम स्टिमुलस को मेज़र करते हैं अकॉर्डिंग टू हिम ऑनली स्टिमुलस कैन बी मेजर्ड एंड ही बिलीव दैट द रिलेशन बिटवीन द स्टिमुलस एंड मेंटल प्रोसेस कैन बी स्टडीड बाई साइकोफिजोलॉजिकल मैथड्स उन्होंने यही कहा कि वो फेकनर के जस्ट नोटिसबल डिफरेंसेस सहमत तो थे लेकिन वो सहमत नहीं थे तो किन चीज़ों से कि हम सेंसेशन का मेज़र कर सकते हैं उन्होंने कहा कि हम स्टिमुलस का मेज़रमेंट कर सकते हैं और हम साइकोफिजोलॉजिकल मेथड्स के आधार पर किसी भी पर्सन के स्टिमुलस और मेंटल प्रोसेस को यानी स्टिमुलस प्रेजेंट करेंगे तो वो जो रिएक्ट कर रहा है या जो भी उसका मेंटल प्रोसेस चल रहा है उस दौरान उसको हम स्टडी कर सकते हैं थ्रू साइको फिजियोलॉजिकल मैथड्स ठीक है तो उन्ट का बेसिकली कंट्रीब्यूशन क्या था उन्ट्स का बेसिकली फाइस एरियाज में कंट्रीब्यूशन था दैट इज सेंसेशन एंड परसेप्शन रिएक्शन टाइम एसोसिएशन एक्सपेरिमेंट अटेंशन एक्सपेरिमेंट्स फीलिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड साइको फिजिजिकल एक्सपेरिमेंट्स इतने सारे कंट्रीब्यूशन के बावजूद भी उन्ट को कुछ पर्टिकुलर एरिया पर क्रिटिसाइज किया गया वो क्रिटिसाइज़ किया था दूसरे साइकोलॉजिस्ट द्वारा उनका आलोचना किया गया वो आलोचना उनके कामों में कुछ कमियों को ढूंढते हुए किया गया था पहला क्या था सम साइकोलॉजिस्ट क्रिटिसाइज दैट उन्ट ऑनली फोकस ऑन एनालिटिकल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सियस एक्सपीरियंस उन्होंने सिर्फ एनालिटिकल एस्पेक्ट यानी कैसे उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट कर हम स्टडी करें अध्ययन करें उसको एनालिसिस करें इस पर उन्होंने ध्यान दिया इसको दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने आलोचना की कि ये जो तरीका ऊँट ने अपनाया दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट वे नेक्स्ट अनदर क्रिटिसिज्म इज ऊँट लार्जली इग्नोर द एरियाज लाइक चाइल्ड साइकोलॉजी डिफरेंशियल साइकोलॉजी एक्सेट्रा ऊंट ने सिर्फ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पर ही फोकस किया उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी डिफरेंशियल साइकोलॉजी या फिर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी या फिर सोशल साइकोलॉजी इन सारी चीज़ों पर ध्यान ना के बराबर दिया नेक्स्ट क्या है बिहेवियरिस्ट रिजेक्ट इंट्रोस्पेक्टिव मेथड टू स्टडी द कॉन्शियस माइंड रदर ही इंट्रोड्यूस द ऑब्जर्वेशन मेथड इज़ मच वैल्यूएबल बिहेवियरिस्ट जिसमें वाटसन की बात हम लोग करेंगे बाद में उन्होंने उठ के इस मेथड uh, को जिसके आधार पर हम कॉन्शियस एलिमेंट्स का स्टडी कर सकते हैं या इमीडिएट एक्सपीरियंस को स्टडी कर सकते हैं दैट इज इंट्रोस्पेक्टिव मेथड का उन्होंने क्या कि आलोचना किया उन्होंने कहा कि हम किसी व्यक्ति के व्यवहार या उसके कौन से एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ का अध्ययन कैसे करें तो दैट इज़ ऑब्जर्वेशन मेथड्स के सहारे वो अच्छे से हो सकता है क्योंकि इंट्रोस्पेक्टिव मेथड में क्या होता है जब इंसान किसी चीज़ को फील करता है फील करने के बाद जब वो एक्सप्रेस करता है तो ड्यूरिंग एक्सप्रेशन या ड्यूरिंग एक्सप्रेस प्रोसीजर उसके वर्ड्स या उसके फीलिंग्स बदल जाते हैं तो जो एक्यूरेट फीलिंग्स होता है एट ए टाइम वो जब रिपोर्ट करता है उस टाइम दोनों में डिफरेंस आ जाता है तो एक्चुअल का भाव की कमी होती है ठीक है तो ये मेन थ्री क्रिटिसिज्म है जो ऊंट के अगेंस्ट में दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने किया था तो दिस इज ऑल अबाउट द ऊंट कि ऊँट ने क्या योगदान दिया ऊँट का बुक uh, जो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में इसमें इन्होंने सिस्टमेटिक साइकोलॉजी को कैसे फाइव पार्ट्स में बांटा तो ये बेसिकली ऊंट का कंट्रीब्यूशन है ऊंट जो है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का एस्टेब्लिशमेंट किए लिपजिक यूनिवर्सिटी में लिपजिक जर्मनी में 1879 में इन्होंने ही फर्स्ट साइकोलॉजी को एक इंडिपेंडेंट दर्जा दिलाया था और देन इसके आधार पर इन्होंने साइकोलॉजी में ये सारे कंट्रीब्यूशन किए ओके ठीक है अब आप ऊँट को डिटेल से पढ़ो तो कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा कि ऊंट ने क्या कहा था ओके okay, स्टूडेंट so